तो गाइज इस टाइम खड़े हैं हम अल नसीम के अंदर और ये चिकन रोल वगैरह शावरमा पराठे के साथ में बनाते हैं। नहीं, ये कब से चल रहा है, अपने शॉप कब से चल रही है, कितने टाइम से आ रहे हो आप यहाँ पे? भाई कम से कम हमने हो गए 10 साल से यहाँ पे आ रही है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं ये हमारा चिकन रोस्ट तैयार हो रहा है। ऐसी कौन सी रेसिपी, ऐसे कौन से मसाले हैं जो बड़ा ही मजा आया हमें तो टेस्ट करके? तो देखिए गाइस कितना अल्हम्दुलिल्लाह रश है यहाँ पे, आप बता रहे हैं कि 10 साल से ज्यादा हो गई ना यहाँ शावरमा खाते हुए। तो गाइस देख सकते हैं स्पीड अल्हम्दुलिल्लाह कितनी फास्ट है भाई की, और इनका काफी नाम है बाड़े के अंदर। तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है, माशाल्लाह बड़ा गर्म हो रहा है, बड़ा टेस्टी हो रहा है। इनके टेस्ट में 10 साल में कुछ चेंज आया या वैसे का वैसे? अंडे पराठे की तैयारी चल रही है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो गाइस आज हमारी जायके की तलाश हमें लेकर आई है पुरानी दिल्ली। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाड़े हिंदूराव में, और आप मेरे पीछे क्राउड देख सकते हैं कितना क्राउड है माशाल्लाह। तो आज आपको यहाँ का व्लॉग दिखाएंगे, आपको स्ट्रीट फूड से रूबरू कराएंगे। तो देरी किए बगैर व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम चाचा। तो गाइस इस टाइम खड़े हैं हम अल नसीम के अंदर, जो कि शावरमा में स्पेशलिस्ट हैं, और ये चिकन रोल वगैरह शावरमा पराठे के साथ में बनाते हैं। सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे और इनके जायकों से आपको रूबरू कराएंगे। तो देखिए गाइस कितना अल्हम्दुलिल्लाह रश है यहाँ पे, आप देख ही सकते हैं, फुल स्टेम हाउसफुल चल रहा है यहाँ पे, और इनका काफ़ी नाम है बाड़े के अंदर। तो हम जाफराबाद से स्पेशली यहाँ खाने आए हैं, तो देरी किए बगैर अपने ऑर्डर को प्लेस करते हैं। तो लेट्स गो भाई, क्या बन रहा है ये? चीज़ वाले क्रेंच। तो गाइस जैसे कि भाई ने बताया हमें, ये चीज वाली क्रेंच तैयार हो रही है। तो ये फिलहाल तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है, ये देख सकते हैं आप कितना प्यारा इसका टेक्सचर आ रहा है, कितना प्यारा लुक आ रहा है इसका। दिल कर रहा है गाइस, मेरा तो दिल कर रहा है इसे ऐसे ही उठाकर खाने का। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं ये हमारा चिकन रोस्ट तैयार हो रहा है शावरमा के अंदर डलने के लिए, चिकन रोल में जाने के लिए। भाई साहब किस में जाएगा, शावरमा में पराठे के? शावरमा है ये। तो गाइज आप देख सकते हैं शावरमा तैयार हो रहा है, इसके अंदर पराठे के अंदर रोल करके देंगे ये। और गाइज हम जाफराबाद से आए यहाँ खाने, बड़ा ही फेमस है इनका, काफ़ी नाम सुना है इनका। तो एक भाई है हमारे, वो उन्होंने बड़ी तारीफ करी थी, तो हमने सोचा चलो ट्राई करते हैं। तो गाइज फाइनली हमें रोल मिल चुका है, चिकन रोल, इन्हें खाएंगे और इनका रिव्यू देंगे। तो देरी किए बगैर स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो गाइज चिकन रोल हमारा आ चुका है, माशाल्लाह बड़ा गर्म हो रहा है, बड़ा टेस्टी हो रहा है। और इनकी जो स्पेशलिस्ट है, ये स्पेशल है अपने, ज़्यादातर इसमें रोटी में होता है शावरमा, मगर इन्होंने जो है पराठे के अंदर लगा रखा है, और बड़ा ही टेस्टी है गाइज, अलग ही मज़ा है। मैं अल्फाजों में इस टेस्ट को बयान नहीं कर सकता, आप यहाँ आकर ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। ये बाड़े की छोटी मस्जिद है, और ये भाई साहब है अल नसीम करके, ये छोटा सा रेस्टोरेंट है, मगर इसमें भीड़ और अल्हम्दुलिल्लाह क्राउड बहुत है, और जायका भी है गाइज, बड़ा ही टेस्टी और बड़ा ही क्रंची हो रखा है, और बड़ा मजा आया हमें तो यहाँ पे। तो गाइज फाइनली हमने अपना शावरमा जो है वो ईट कर लिया है, हमें बड़ा मजा आया गाइज। और जैसा इनका नाम है अल्हम्दुलिल्लाह, क्वालिटी भी वैसी थी, और शावरमा खा के ना दिल और दिमाग दोनों ताजा हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा ही मजा आया। और आप यहाँ पर आकर ट्राई जरूर करें अल नसीम में। तो एक भाई हमारे साथ में थे अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ शावरमा खाने आए थे, तो इनसे पूछते हैं, इनका रिव्यू लेते हैं। तो भाई कितने टाइम से आ रहे हो आप यहाँ पर? भाई कम से कम हमने हो गए 10 साल से यहाँ पे आके, तो भाई घर ही यही है। अच्छा, तो ये भाई हमें मिले बता रहे हैं कि 10 साल से ज्यादा हो गए ना यहाँ शावरमा खाते हुए। तो इनके टेस्ट में 10 साल में कुछ चेंज आया या वैसे का वैसे? क्वालिटी जो है वही है, थोड़ा सा प्राइस बढ़ गया है, लेकिन क्वालिटी एक नंबर है, जो शुरू से खाते हुए आ रहे वही क्वालिटी एक नंबर है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं भाई ने बताया, थोड़ा प्राइस जरूर बढ़ गया है, मगर क्वालिटी, तो प्राइस कोई मैटर नहीं रखता गाइस, अगर चीज क्वालिटी बहुत बढ़िया है तो आप भी यहाँ आकर ट्राई कर सकते हैं। ये अल नसीम ये छोटी मस्जिद जो है बाड़े की, उसके जस्ट बराबर में है, और आप आकर ट्राई जरूर करें सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कितना रश है यहाँ पे, और जगह थोड़ी छोटी है, दुकान छोटी है, मगर जायका एक नंबर है गाइस। और ये देख लीजिए कितना रश है, कितने बिजी है ये लोग, फिर भी इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला गाइस, हम इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, दिल से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और ये देखिए यहाँ शावरमा तैयार भी हो रहा है, ये भाई हमें बताएंगे, यहाँ ये रेगुलर आते हैं। तो भाई कैसा है इनका शावरमा? भाई इनका शावरमा वाकई में बहुत अच्छा है, और इनका शावरमा थोड़ा सा जो है बड़ा होता है काफी औरों के मुकाबले में, इनका शावरमा एक्स्ट्रा चिकन, और इनकी जो नई चीज सबसे ज्यादा फेमस है चलने वाली वो है पराठा रोल।
तो जैसे कि आप देखते हैं शावरमा जो है रोटी के अंदर होता है, मगर ये चीज रोल और पराठे के अंदर बनाते हैं। ये इनकी एक स्पेशलिटी है और वाकई में बड़ा टेस्टी था, हमने फर्स्ट टाइम खाया, हमें बड़ा मजा आया। और ये भाई देखिए ये तैयार कर रहे हैं, ये आप क्या तैयार कर रहे हो भाई? ये क्रंच तैयार कर रहे हैं इस टाइम, तो भाई जो है ये इस टाइम क्रंच तैयार कर रहे हैं। और इधर ये क्या तैयार कर रखा है आपने? ये सैंडविच बना रखा है जैसे कि आप देख सकते हैं। गाइस मशीन के अंदर जाने के लिए तैयार है हमारा सैंडविच। गाइस देख सकते हैं स्पीड अल्हम्दुलिल्लाह कितनी फास्ट है भाई की। ये देखिए ये तैयार हो चुका है, तो आप देख ही सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये पैकिंग चल रही है यहाँ। गाइस आके खाने में जो मजा है वो अलग ही है, मगर आप पैक भी करा सकते हैं। इसमें अंडा तो नहीं होता भाई? हाँ इसमें अंडा नहीं होता। और यहाँ अंडा पराठा चल रहा है, तो गाइस देख सकते हैं अंडा पराठे की तैयारी चल रही है, यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही है। आप देख ही सकते हैं कितना बड़ा तवा है गाइस, पूरे ट्रक के टायर के बराबर है। तो ये देखिए आप अंडा पराठे की तैयारी प्रोसेस होता हुआ दिखाते हैं आपको। ये देखिए हमारे मामू हैं, मामू जान अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी देख रेख में ये सारा काम होता है। तो आप देख सकते हैं ये अपने काम में कितने चौकस हैं, और ये बड़े प्यार से यहाँ पे सर्व करते हैं और बड़े प्यार से बुलाते हैं। अगर गाइस आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, बड़ा हिंदूराव छोटी मस्जिद के जस्ट बराबर में। तो आप यहाँ आकर ट्राई जरूर करें। मैं जाफराबाद से यहाँ ट्राई करने आया हूँ इनके जायके को देखकर, और जैसा लोगों की तारीफ जैसा लोगों ने बताया था अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल खरे उतरते हैं, हमारी कसौटी पे बिल्कुल खरे उतरे। शावरमा बहुत ही टेस्टी था गाइस। फ्रेंड्स जैसा कि हमने आपको बताया था हम अल नसीम के फाउंडर भाई नईम साहब की मुलाकात करेंगे, तो ये है मोहम्मद नईम भाई साहब जो कि इसके अल नसीम के फाउंडर है, तो इनसे दो चार सवाल करेंगे और आपको बताते हैं। तो भाई नईम ये कब से चल रहा है आपने शॉप, कब से चल रही है ये? 2008 से। तो ऐसी कौन सी रेसिपी, ऐसे कौन से मसाले हैं जो गाय बड़ा ही मजा आया हमें तो टेस्ट करके? भाई अल्लाह की तारीफ है, बाकी मसाले हमारे जो सेकंड मसाले हैं। अच्छा बाकी आप बताएं खाने के कैसा लगा? भाई हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मजा आया, बड़े रोस्ट हुए हुए थे, मतलब एक अलग ही लेवल था। वैसे तो शावरमा हमने जाफराबाद में बहुत खाया है, मगर ये तो नेक्स्ट लेवल शावरमा था, इससे ऊपर तो शायद ही कहीं होगा। और नईम भाई बता रहे हैं तकरीबन 2008 से ये दुकान चल रही है, और आपने रश भी देखा होगा अल्हम्दुलिल्लाह कितना रश है, जबकि नवरात्रे और दशहरे का टाइम है जिस टाइम पे क्या नाम है गैर मुस्लिम जो नॉन मुस्लिम भाई हैं हमारे वो इन चीज़ों को खाते नहीं है, मगर उसके बावजूद भी रश में कोई कमी नहीं है गाइस, आप देख ही सकते हैं। और हमें बड़ा अच्छा लगा, तो अब आपसे गाइस अलविदा लेते हैं। तो इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्दी नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, शब्बा खैर। भाई शावरमा से हम फारिग हो चुके थे, आपको हमने पूरी वॉक करके फूड स्ट्रीट भी दिखाई पुरानी दिल्ली बाड़े की। तो अब हम यहाँ पर आए हैं शाही टुकड़े खाने। तो गाइज शाही टुकड़े बड़े ही लाजवाब हो रहे थे, तो गाइज शाही टुकड़े फाइनल हमारे हाथ में आ चुके हैं, तो शाही टुकड़े की को टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह शाही टुकड़े बहुत ही गर्म और बहुत ही लजीज है, पुरानी दिल्ली वाला पूरा टेस्ट आ रहा है, जो कि ये पुरानी दिल्ली है भी, और हमें बड़ा मज़ा आया गाइस शाही टुकड़े में। तो अब हमारी जबान हमें इजाज़त नहीं देती बात करने की, क्योंकि इतना लजीज शाही टुकड़े हमारे सामने, तो हम पहले इसे फिनिश करेंगे और आपको बाद में रिव्यू दिखाते हैं इसका। बहुत बढ़िया, बहुत आला, एक नंबर।